मुंबई में फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2019 हुआ, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। अनुष्का शर्मा से लेकर मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिन्होंने रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में सितारों का ग्लैमरस लुक देखने को मिला। आलिया भट्ट एक और पिंक गाउन में नजर आई तो वहीं वरुण धवन डैपर लुक में दिखाई दिए। वरुण धवन और आलिया ने एक साथ मीडिया को वहां पोज भी दिए। हम आपको ये बता देते हैं कि फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2019 में किस सेलिब्रिटी की झोली में कौन सा अवार्ड गिरा है। आलिया भट्ट को मोस्ट स्टाइलिश स्टार फीमेल का अवार्ड दिया गया है, वहीं आयुष्मान खुराना को मोस्ट स्टाइलिश स्टार मेल का अवार्ड दिया गया है। वरुण धवन को मोस्ट ग्लैमरस स्टार का अवार्ड दिया गया है और अनुष्का शर्मा को मोस्ट ग्लैमरस स्टार का अवार्ड दिया गया है। मलाइका अरोड़ा को डीवा ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अनन्या पांडे की बात करें तो उन्हें इमर्जिंग फेस ऑफ फैशन का अवार्ड दिया गया है। कार्तिक आर्यन को मिला है हॉस्ट रैपर ऑफ द ईयर का खिताब। कियारा आडवाणी को दिया गया है हॉस्ट रैपर ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड। कृति सेनन को मिला है द फिट एंड फैबुलस अवार्ड। दिया मिर्जा की बात करें तो उन्हें वुमन ऑफ स्टाइल एंड सब्सटेंस का अवार्ड दिया गया है। राजकुमार राव को रिस्क टेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये शायद उन्हें उनकी मूवीज को देखते हुए दिया गया है। सैफ अली खान को स्टाइल आइकॉन के अवार्ड से नवाजा गया है। मनीष मल्होत्रा को द स्पेशलिस्ट का अवार्ड मिला है। वहीं इंडस्ट्री के चहेते और जाने माने करण जौहर को ट्रेल ब्लेजर ऑफ फैशन के अवार्ड्स दिए गए हैं और सभी सितारों का रेड कारपेट पर जलवा देखने लायक था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।